हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन हियर इट इज दैट अ माइनर चेंज इन जीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिवर्सिबल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन। सो लेट्स हियर डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द की कंसेप्ट। सो अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम लोग सिंपली बात किस चीज की कर लेते हैं यहाँ पर। सो हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन पर्टिकुलरली क्या है स्टूडेंट? इट इज लाइक एनी चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ डीएनए सीक्वेंस। कोई भी चेंज जो कि डीएनए सीक्वेंस में होता है ऑफ अ सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ म्यूटेशन। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिवर्सिबल म्यूटेशन, ठीक है। रिवर्सिबल म्यूटेशन को हम लोग रिवर्जन भी बोलते हैं, इवन वी कुड कॉल्ड इट एज अ बैक म्यूटेशन भी बोलते हैं और बैक म्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ म्यूटेशन दैट पर्टिकुलरली रीस्टोर्स, ये रीस्टोर करके रखती है ओरिजिनल सीक्वेंस, दैट इट कुड बी हियर एन ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है। द अदर इट कुड बी द नेक्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? अ सिंगल, दैट कुड बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज, जो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज है, एंड दैट बेस चेंज हियर इट इज इन पर्टिकुलर इन अ डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ। दिस इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन। नाउ अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, दैट इट कुड बी फॉरवर्ड म्यूटेशन। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, अ म्यूटेशन हियर दैट चेंजेस वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप एलील को ये चेंज कर देता है टू अ न्यू एलील, ठीक है। वेयर एज अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ बैकवर्ड, तो हम लोग बैकवर्ड म्यूटेशन भी डिस्कस करते हैं। अ म्यूटेशन दैट, ऐसी म्यूटेशन जो क्या करती है, दैट कुड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस म्यूटेशन, ठीक है। दैट कुड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस म्यूटेशन और रीस्टोरिंग द ओरिजिनल जीन, हम लोग ये कह सकते। अब अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, जैसे कि एडेनाइन है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, टू अ ग्वानाइन, अगर एडेनाइन जो है वो ग्वानाइन में चेंज हो गया, ठीक है, तो मतलब ए जो है वो टी में चेंज हो गया, या ए जो है वो जी में चेंज हो गया, या जी जो है तो किसी में भी, मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो ये क्या पॉइंट म्यूटेशन है। एंड पॉइंट म्यूटेशन वुड बी वन ऑफ द, हम कह सकते हैं माइनर चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, उसको हम लोग माइनर चेंज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।